बिहार में बाढ़ का तांडव, जगह जगह टूटे तटबंध, 12 जिले पूरी तरह जलमग्न, 24 लाख लोग प्रभावित, 72 घंटे से हाहाकारी बारिश के बाद हालात बदतर। नेपाल से आने वाली नदियां खतरे के निशान से ऊपर, सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक बाढ़ का प्रलय, लाखों लोग बेघर, अब तक 41 की मौत। नेपाल में कोसी पर बने तटबंध टूटने से सैलाब, गांव गांव में घुसा पानी, ग्रामीणों ने घर बार छोड़ हाईवे पर ली शरण, नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को हर संभव मदद का भरोसा दिया, एनडीआरएफ की 10 टीमों ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत का काम संभाला। बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाके में सेना के जवान तैनात, इलाहाबाद से बोट और दूसरे उपकरण के साथ 90 जवान पहुंचे, एयरफोर्स ने भी संभाला मोर्चा। असम में भी बाढ़ से हाहाकार, प्रदेश के 21 जिलों में बाढ़ का कहर, करीब 22.5 लाख लोग प्रभावित, अब तक 99 की जान गई। ब्रह्मपुत्र सहित राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, अगले 24 घंटे तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट, नेशनल हाईवे 37 पर चढ़ा बाढ़ का पानी, गुवाहाटी डिब्रूगढ़ के बीच हवाई उड़ान रोकी गई। भारी बारिश की वजह से रेल सेवा बाधित, 16 अगस्त तक देश से पूर्वोत्तर की तरफ जाने वाली ट्रेनों की सेवाएं रोकी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री से की बात, केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा। यूपी में भी बाढ़ से कई जिलों में बिगड़े हालात, गोंडा और बाराबंकी में घाघरा में उगाओ जलमग्न, योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। पीड़ितों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, राहत कार्य युद्ध स्तर पर हमारे प्रारंभ होने चाहिए, पहले ही प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया था और ये कार्य युद्ध स्तर पर चल भी रहा है। बाराबंकी में नेपाल से पानी छोड़े जाने से घाघरा खतरे के निशान से पार, सैकड़ों गांव जलमग्न। नेपाल के पानी ने महाराजगंज में भी मचाई तबाही, सैकड़ों गांव पानी में डूबे, सीएमओ दफ्तर में 2 दिनों से फंसे लोगों का रेस्क्यू। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से 16 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा अब भी लापता। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बीटिंग द रिट्रीट को देखने अटारी वाघा बॉर्डर पर उमड़ा लोगों का हुजूम। वाघा सीमा पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का भव्य प्रदर्शन, भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान। 15 अगस्त से पहले लाल किले की अभेद्य किलेबंदी, खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया। सीसीटीवी कैमरों के अलावा 2 हेलीकॉप्टर के जरिए लाल किले की होगी निगरानी, आसपास की बिल्डिंग पर रहेंगे जवान तैनात। लाल किले और आसपास के इलाके की चप्पे चप्पे की निगरानी, पीएम हाउस से लेकर लाल किले तक 600 सीसीटीवी कैमरे। बाराबंकी दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, के चरणों पर गिर पड़े जिला के डीएम, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। बिहार में शरद यादव का समर्थन करने वाले जेडीयू नेताओं पर गिरी गाज, रमई राम समेत 21 नेता पार्टी से सस्पेंड। शरद यादव गुट का बगावती तेवर, शरद यादव समर्थकों का दावा, कई राज्य की इकाइयां उनके साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोरखपुर में मृत बच्चों के परिवार वालों से मुलाकात की, बोले सरकार कम से कम ये साफ करे कि बच्चों की जान गई कैसे। मैं ये कहता हूं ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार सच्चाई बताए कि आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से इतने बच्चों की जान चली गई। गोरखपुर कांड पर आजम खान का विवादित बयान, कहा जिनके अपने बच्चे नहीं वो क्या जाने मासूमों की मौत का दर्द। जो बच्चे वाला ही नहीं होगा वो बच्चे का क्या एहसास करेगा, कहते हैं ना पुराने लोग, वहीं गर्मी होती है जहां आग। गोरखपुर बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत पर अमित शाह का बयान, कहा जांच होने तक किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। अगस्त में ज्यादा बच्चों की मौत वाले बयान पर सिद्धार्थनाथ सिंह की सफाई, कहा मीडिया को समझाने के लिए किया था जिक्र, न कि कारण बताने के लिए। गोरखपुर में बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट, सरकार बताए कैसे हुए 7 दिनों में 64 बच्चों की मौत। संविधान की धारा 35A को हटाने की कोशिश पर उमर अब्दुल्ला की चेतावनी, कहा गंभीर नतीजे होंगे, बीजेपी पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 साल के कामकाज का हिसाब मांगा, कहा कल लाल किले से देश को दें लेखा जोखा।
अलग गोरखालैंड की मांग लेकर जीजेएम युवा मोर्चा के 12 समर्थक भूख हड़ताल पर बैठे, पुलिस ने दी भूख हड़ताल तोड़ने की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की विदेश यात्रा की इजाजत पर रोक लगाई, कार्ति ने लुकआउट नोटिस के खिलाफ दायर की थी याचिका। यूपी के शामली में बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के कार्यक्रम में डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए, लेकिन सांसद ने डांस के आयोजन से इनकार किया। वरुण गांधी ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले बाल रोग विभाग के निर्माण के लिए सांसद कोष से दिए 5 करोड़ रुपए, सुल्तानपुर में खुलेगा अस्पताल। छत्तीसगढ़ में सीएम रमन सिंह ने लोगों से की मुलाकात, सरकार के 5000 दिन पूरे होने पर 5000 मीटर मैराथन को दिखाई हरी झंडी। फतेहाबाद में खाप पंचायत में जाट नेताओं के 2 गुटों में हिंसक झड़प, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक घायल। गांव में यशपाल मलिक की सभा का विरोध कर रहे थे दूसरे गुट के लोग, झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का पिछड़ा कार्ड कापू समुदाय को आरक्षण का भरोसा, मंजुनाथ कमीशन रिपोर्ट लागू करने का वादा। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, सीआरपीएफ के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में गिरफ्तार हुए हरकत उल मुजाहिदीन के 2 आतंकी 15 अगस्त से पहले गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में थे, सरफराज और सज्जाद। सामने आई राष्ट्रपति भवन की बड़ी चूक, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से मौत पर संदेश में रामनाथ कोविंद की जगह प्रणब मुखर्जी का नाम, बाद में गलती सुधारी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रोशन हुआ इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली मेट्रो सेवा में नहीं होगा कोई बदलाव, पहले की तरह चलती रहेगी मेट्रो। दिल्ली में बढ़े डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले, पिछले 1 हफ्ते में 200 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचे। मणिपुर में अलग अलग चरमपंथी संगठनों के 68 सदस्यों ने किया सरेंडर, सरकार ने कहा बड़ी कामयाबी। फोन कॉल्स होंगी सस्ती, इंटरकनेक्ट फीस का कम होना तय, कनेक्टिंग कॉल्स की फीस पर कटौती के संकेत। सहारा की आंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया शुरू, 37,000 करोड़ रुपए आरक्षित मूल्य निर्धारित, उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत नीलामी। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद, सेंसेक्स 235 अंकों की बढ़त के साथ 31,449 पर बंद, निफ्टी 9,794 तक पहुंचा। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूत, घरेलू शेयर बाजार में शुरुआती तेजी से रुपए को मिला बल। अच्छे उत्पादन और कम डिमांड से जायफल के दाम ने लगाया गोता, किसानों में जबरदस्त निराशा। श्रीलंका में टीम इंडिया ने रचा इतिहास, 85 साल बाद लंका के खिलाफ उसी की धरती पर 3 टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप कर खिताब जीता। तीसरे और अंतिम टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को पारी और 171 रनों से दी मात, हार्दिक पांड्या बने मैन ऑफ द मैच। खेल के तीसरे ही दिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने टीके घुटने, पूरी टीम दूसरी पारी में 181 पर ढेर। श्रीलंका की दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर अश्विन सबसे सफल, शमी के हिस्से 3 कामयाबी। तेज गेंदबाज उमेश यादव ने चटकाए 2 विकेट, कुलदीप यादव के हिस्से 1 सफलता। सीरीज में 2 शतक लगाने वाले शिखर धवन को मिला इनाम, बने मैन ऑफ द सीरीज। श्रीलंका में टीम इंडिया की कामयाबी से कप्तान विराट गदगद, टीम की जमकर तारीफ। बतौर कप्तान विराट कोहली ने रचा इतिहास, श्रीलंका में 2 बार टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। अपनी टीम के प्रदर्शन से श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चांडीमल नाराज, कहा बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में खराब प्रदर्शन। टेस्ट सीरीज में दमदार जीत के बाद अब वनडे सीरीज पर नजर, 20 अगस्त को पहला मुकाबला। भिवानी में एक मंचले को छेड़खानी करना पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने जूतों की माला पहनाकर पंचायत में घुमाया। तरण तारण में सरकारी क्वार्टर में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया पुलिस वाला, स्थानीय लोगों ने जमकर धुनाई की। बठिंडा में संपत्ति विवाद में पिता ने बेटी को मारी गोली, लड़की की हत्या कर खुद भी लगाई फांसी। सगरूर में अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा सरपंच, प्रशासन के खिलाफ नाराज। पठानकोट में पिस्टल के साथ पकड़ा गया बीबीए का छात्र, पुलिस को बताया गांव में लोगों को डराने के लिए रखा था।
सूरत में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 40 लाख के जाली नोट के साथ भरे गए चार। उड़ीसा के बालासोर में आरोपी चोर पर भीड़ का जुल्म, चेहरा रंगकर बाजार में परेड निकाला। उड़ीसा के नवरंगपुर जिले में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती महिला को खाट पर लादकर अस्पताल ले गए परिजन, रास्ते में ही बच्चे को दिया जन्म। आम्रपाली बिल्डर से परेशान खरीदारों ने समाजसेवी अन्ना हजारे से मिलकर लगाई मदद की गुहार, अन्ना ने साथ देने का भरोसा दिलाया। आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, लगातार 3 दिनों से जारी है विरोध। दिल्ली के रणहौला इलाके में चलती कार में भीषण आग, परिवार के 8 लोगों की बाल बाल बची जान। दिल्ली के रजौरी गार्डन के मॉल में हुई युवक की हत्या में 3 गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। सवाईमाधोपुर में स्कूल में शिक्षकों की कमी के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र, हाईवे पर जाम लगाया। जयपुर में सेना ने आम लोगों के लिए लगाई हथियारों की प्रदर्शनी, बच्चों में दिखा भारी उत्साह। जन्माष्टमी के मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ की वृंदावन में पूजा, जी खोल कर गाया कान्हा का पूजा।